अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गरगाइया SPSC क्लासेस। इतिहास की वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपन इतिहास कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था नवपाषाण काल, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल होता क्या है दोस्तों? तो ताम्र पाषाण काल जो है नवपाषाण काल के बाद आता है। पाषाण काल से तात्पर्य क्या था? देखिए, पाषाण काल में जो था तो जो मनुष्य था वह पत्थरों के साथ अपनी गतिविधियां कर रहा था, ठीक है। और पत्थरों की गुफाओं में रहना, पत्थरों के उपकरण बनाना, विभिन्न प्रकार के हथियारों को बनाना, इस प्रकार की गतिविधियों को में वो संलग्न था। लेकिन जैसे जैसे पाषाण काल समाप्त होता है और ताम्र पाषाण काल आता है, तो ताम्र पाषाण काल में क्या होता है दोस्तों, जो मानव था वह पत्थरों का उपयोग के साथ साथ तांबे का उपयोग भी करने लगा था। तांबे का उपयोग जो मानव मनुष्य ने शुरू किया, किंतु पत्थर का उपयोग छोड़ा नहीं, ठीक है। अर्थात तांबे का भी उपयोग कर रहा था वो और पत्थर का भी उपयोग कर रहा था, इसलिए हमने इस कल्चर को नाम दिया ताम्र पाषाण संस्कृति, ठीक है दोस्तों। तो ताम्र पाषाण में क्या होगा दोस्तों कि मनुष्य जैसे जैसे उपकरण जो उसके बनते थे, जो पत्थरों को उपकरण बनाता था, तब वो तांबे में संलग्न होने लगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इस जो काल था, इस काल में मिट्टी का उपयोग उसने नहीं छोड़ा। जैसे मिट्टी के बर्तन, मृद भांड वगैरह जो बन रहे थे ना, उनका उपयोग वह कंटिन्यू करके रखा, ठीक है। जो चाक होता है ना, कुम्हार का चाक, उससे क्या करता था, मृद भांड बनाता था, उसका उपयोग वह इस काल में भी कंटिन्यू रखा। इस काल में विभिन्न प्रकार के शिल्प आ गए, ठीक है, जैसे बढ़ईगिरी, ठीक है, ये सब भी कार्य होने लगे। अब दोस्तों, जो ताम्र पाषाण काल में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा कि जो ताम्र पाषाण संस्कृति को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से? पहला है उत्तर सैंधव ताम्र पाषाण संस्कृति, ठीक है। उत्तर सैंधव, अब देखो उत्तर सैंधव जो है, और दूसरी है पूर्व सैंधव ताम्र पाषाण संस्कृति। देखो, जो उत्तर जो है, तो जो हमारा ये भारत का मैप है, तो इसमें अपन देखें जो उत्तर वाला रीजन है, सिंधु नदी के जो उत्तर वाला रीजन है, तो वो क्या कहलाया हमारा? उत्तर सैंधव ताम्र पाषाण संस्कृति, ठीक है। और जो हमारा सिंधु नदी के पूर्व वाला भाग है, तो वो हमारा कहलाया पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। देखिए, जो पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, ठीक है, इसका मैं आपको जो है एक PDF दे दूंगा, उसको आप, उसमें लिस्ट है, उस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे पहला है हमारा क्वेटा संस्कृति, ठीक है। ये क्वेटा संस्कृति आई थी दोस्तों बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान में। यहाँ पे पांडुरंग में मृदभांडों का उपयोग होता था। फिर दूसरी है कुल्ली संस्कृति, लिखिएगा कुल्ली संस्कृति, ये हमारी है बलूचिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, जो मटके थे ना, तो उनमें काले रंग का लेप लगा दिया जाता था, जो मटके हमारे रहते थे तो उनमें काले रंग का लेप लगा करके बनाया जाता था। तीसरी है हमारे दोस्तों नाल आर्मी संस्कृति, ठीक है, नाल आर्मी संस्कृति। ये कहाँ पर आई दोस्तों? ये हमारी बलूचिस्तान और सिंध वाले रीजन में आई। यहाँ पर क्या करता था, यहाँ पर जैसे जो हमारे वो बनते थे ना पांडुरंग के लेप पर, जैसे मृदभांड बना, उसमें लेप लगाया, उसके बाद से बहु रंग अलंकरण करते थे मृदभांडों में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अलंकरणों का यहाँ पर समावेश होता था। फिर दोस्तों हमारा आता है झोब संस्कृति, ये भी कहाँ की थी? बलूचिस्तान की थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, लाल रंग के लेप पर, जैसे हमारा मृदभांड बना, उसमें रेड कलर का लेप लगा दिया, उसके बाद ब्लैक कलर के क्या करते थे, इसे डिजाइनिंग करते थे, ठीक है। देखो क्या है दोस्तों, जो अपन ये ताम्र पाषाण का कल्चर पढ़ रहे हैं, इसमें हमको जो मिले हैं ना, तो मृदभांड ही मिले हैं, इसलिए हम इन्हीं को साक्ष्य के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है।
फिर एक आते कोट दीजिए संस्कृतियाँ, कोट दीजिए सिंध में है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, लाल रंग का लेप होता था और उस पर क्या होता था, दुधिया रंग की पट्टी, ठीक है, दुधिया रंग की पट्टी जिस पर बहुत सारे अलंकरण मतलब मोती वगैरह लगे रहते थे, उसको लेयर वाइज लेयर लगाते थे। तीसरी फिर इसके बाद थी पूर्व हड़प्पा संस्कृति, ये दोस्तों पंजाब वाले रीजन, कौन सा पंजाब, जो पाकिस्तान पे चला गया है, तो पंजाब पाकिस्तान में थी। इसमें लाल या बैंगनी रंग में, लाल या बैंगनी रंग के लेप पर काले रंग, जैसे लाल है और बैंगनी उसमें काले रंग की से लाइन लाइन रहती थी, ठीक है। थोड़ा सा क्या बोर्ड की यहाँ पे कमी महसूस हो रही है हमें, हम जल्दी इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, थोड़ा सा मार्केट वगैरह खुलता है तो हम बोर्ड के जल्दी जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए हमें खेद है। अब इसके बाद देखो दोस्तों हमारे पूर्व, ये हमारी हो गई हमारी कौन सी, पूर्व ताम्र सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ सिक्स हैं, ठीक है दोस्तों, इनको आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। इसमें से देखिए जैसे क्वेटा कुल्ली आर्मी सकाल से ये बलूचिस्तान की और झोब, खाली कोट दीजिए सिंध की हमारी और एक कौन सी पूर्व हड़प्पा संस्कृति पंजाब की, अब बाकी ऊपर की चार जो हैं तो कहाँ की, बलूचिस्तान की। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उत्तर सैंधव ताम्र पाषाणिक। अब उत्तर सैंधव में क्या है, तो उत्तर सैंधव में दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक दो तीन चार पाँच जितनी 26 स्टार लगा लो आप, कायथा संस्कृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमपीपीएससी के लिए तो रामबाड़ है, ठीक है ना, आईएम लगा लीजिए। तो ये दोस्तों कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति हमारे मध्य प्रदेश जो है ना हमारा, ये है मध्य प्रदेश, इसमें जो ये हमारी नर्मदा नदी जो है ना यहाँ से यहाँ से जाती है, तो नर्मदा घाटी के रीजन में, नर्मदा घाटी के रीजन में वाली संस्कृति पली पली वैली, ठीक। यहाँ पर क्या मिले, यहाँ पर लाल अथवा धूसर रंग जिसको हम भूरा रंग भी बोलते हैं, पर बैंगनी रंग से चित्तित मढ़वा, मतलब लाल है, ठीक है, रेड कलर का है और बैंगनी रंग का उसमें ये दूसरा कलर का है, उसमें बैंगनी कलर से क्या करी गई है, चित्रकारी करी गई है, तो ये हमारी कायथा संस्कृति हो गई, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत पूछता है कि कायथा संस्कृति कहाँ की, मध्य प्रदेश की, ठीक, नर्मदा घाटी में। दूसरी लगाइए दोस्तों आहाड़ संस्कृति, कौन सी संस्कृति दोस्तों, आहाड़, ठीक है, ये हमारी उत्तर सैंधव ताम्र पाषाणिक है, मतलब देखो उत्तर सैंधव ऊपर वाले रीजन की, ये राजस्थान में बनास घाटी में मिली, बनास नदी जो है उसी की घाटी में मिली है। इसमें इसमें क्या होता था, काला और लाल, काले एवं लाल रंग लेप पर क्या होता था, सफ़ेद रंग के चित्र वाले मृदभांड है, काले कलर के मृदभांड है और लाल कलर के मृदभांड है, और उसमें सफ़ेद कलर के क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा दोस्तों आहाड़ संस्कृति, ठीक है, कायथा हो गई और आहाड़ हो गई, ठीक। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, तीसरे दोस्तों मालवा संस्कृति, नाम जो स्पष्ट है एमपी की है, मालवा वाले रीजन की, ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी। तो कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तो आप एक दो तीन चार जितनी स्टार लगाना हो आपको लगा लो, बहुत पूछता क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें गुलाबी रंग के लेप पर क्या होता था, मृदभांड होता था, उसमें गुलाबी रंग का लेप किया जाता था और इसमें काले रंग से क्या किया जाता था, चित्रण किया जाता था, मालवा संस्कृति, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट आता है जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति क्या, ये महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र की गोदावरी वाले रीजन में ये आई है, यहाँ पे लाल रंग के मृदभांड मिले, ठीक है, ये महाराष्ट्र की, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने जो आपको ताम्र पाषाण काल पढ़ाया, तो ताम्र पाषाण काल में तुम एक रीजन तो ये कि पत्थरों के साथ तांबे का उपयोग होने लगा, फिर इसमें दोस्तों जो ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ पर जहाँ पर फली फूली, तो उनका जो मैंने रीजन बताया तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको बोर जरूर लग रहा होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं तो आप उत्तर वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दो एमपी वाले तो पढ़ ही लीजिएगा, कहा था जरूरी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, नौ संस्कृतियाँ ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों हमारा यहाँ पर आज ताम्र पाषाण काल ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ आगे इसी वीडियो को बढ़ाएंगे दोस्तों, इसमें उसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को अपन यहीं पर रखते हैं, और इस वीडियो को दोस्तों यदि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपके मन की भाई हो, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य छात्र भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाजू में बेल आइकन होगा तो उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे ना चैनल पे, तो आपको क्या होगा, इस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतिहास की नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।